हमदानीशाह जी, मैं आज एक ऐलान करना चाह रहा हूँ, वो ये कि ये ज़ाकरीन की हम इस तरह इज्जत करते हैं कि जिनकी हम बयान नहीं कर सकता मेंबर पे। आज रात को इमरान काजमी साहब ने पढ़ा है कंगोटा में, ये शानीशाह जी गवाह हैं, उन्होंने कहा है कि जी मैं लाहौर 9 बजे पढ़नी और वहाँ से आके मैं चक्री से पढ़ के आपके पास आऊँगा। जितने ज़ाकरीन इश्तिहार में ये मेंबर है, सबको दावत दी हुई थी, लाइव चल रही है, उनके चाहने वाले भी सुन लें, क्योंकि अब हालात ऐसे हैं कि लोग दूर दराज से आते हैं तो उनका मकसद यही होता है कि हम जाके जिक्र सुने। इधर आके वो परेशान होते हैं, कभी हमसे पूछते हैं कि फलां जाकर किस टाइम पढ़ेगा, किस टाइम पढ़ेगा। और मैं ऐलान कर रहा हूँ खुद आके, इमरान काजमी, मलक मुदसर, गुलाम बास फरीद का और आमर रबानी, ये तैयार रहे, लाइव चल रही है। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि लाइव के जरिए पैगाम पहुंचता है, और मैं ये इनको पैगाम दे रहा हूँ कि वो अपना बंदोबस्त कर लें, कोई उनका चाहने वाला ना आए मेहरबानी करके, क्योंकि हमारा प्रोग्राम खराब हुआ है तो उनके खिलाफ हक रखता हूँ मैं। तो उनके चाहने वालों से भी अपील है कि हमें तंग ना करें फिर बाद में। ये बेहतरीन पढ़ने वाले हैं मलक नईम रजा और सैयद इब्रार शाह साहब, इंशाल्लाह आप सुनेंगे, याद करेंगे। आज जितने बंदे नए पढ़ गए, इरफान शाह, उसके बाद रियाज शाह, मेर शाही वाले, कितना अच्छा पढ़ गए। चलो बाकी तो जैसे कैसे भी, जिक्र मोल्ला का है, ये किसी जाकर का मोहताज नहीं है। और आप लोग तावन किया करें, अगर किसी बानी के पास कोई जाकर मिस होता है तो उसको जहनी अजियत ना दिया करें। आप मुझे हर बंदा आके कहते हैं जी इतने इश्तिहार में थे क्यों नहीं आए, और ये सिर्फ उन लोगों की वजह से है जो लोग पैसे वाले हैं, उनको देते हैं ज्यादा न्याजें और उनकी तरफ वो चले जाते हैं, और जो हम जैसे होते हैं जो मिन्नत समाजत करके उनको बुलाते हैं उनके पास नहीं आते, और फिर हमें ताने सुनने पड़ते हैं। इंशाल्लाह वकील तो जी एम शाह साहब भी हैं, अफजाल शाह साहब भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं, और जरार शाह साहब भी। इंशाल्लाह मैं जिन बंदों के नाम लिए माजरत के साथ, कोई बंदा उनका तरफदार हमारी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरा साल उनके पीछे दौड़ते रहते हैं, मिन्नतें करते हैं, न्याजें भी ये उठाई हुई हैं। ये नहीं कि न्याजें नहीं देते, लोग अक्सर यही कहते हैं कि जी न्याजें जवार शाह नहीं देता। मैं कहता हूँ मेरे सामने आके मुबाला कर ले मेरे साथ, मैं न्याजें नहीं देता। ठीक है मैं आपकी तरफ 50-50 हज़ार नहीं देता, क्योंकि आपकी कमाई और तरह की है, मैं मजदूर बंदा हूँ, मैंने जो अपनी कमाई से होते हैं वो ऐसे ही देने होते हैं। तो ऐसे लोगों का हौसला अफजाई मत करें, खासकर जिनके तलक वाले हैं। ये लाइव वाले ये क्लिप बेशक चला दें, क्योंकि आज ये नहीं, मैं कसम से मुतमईन हूँ, नहीं आए तो क्या हुआ, ये जिक्र नहीं कर रहे जाकर। सिर्फ थोड़ा सा आप तावन किया करें, ये इब्रार शाह साहब को आप सुने, मैदी बलोच बैठा है, मुश्ताक शाह साहब है, पढ़ने वालों का लाइन लगी है, ये नहीं। लेकिन जो नहीं आए मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके बगैर भी जिक्र हो जाता है, इंशाल्लाह उनके खिलाफ ये वकला के नाम में लिए कार्रवाई करेंगे। और आप लोगों ने साथ देना है, किसी ने उनके साथ नहीं आना। और अभी मलक नईम साहब आपने पढ़ने एक दो कसर निकालनी है, बिस्मिल्लाह। अब आप तसल्ली से सुने, तीन चार बंदे जो हैं इसको बैठ के, ताकि एक माहौल डिस्टर्ब ना हो। मैंने ऐलान तो कर दिया, डिस्टर्ब ना हो ना, मुतमिन होके सुनना है। बावाज़े बुलंद सलावत।